ये देखिए, ये वाला फोटो भेजा है मैंने अपने फॉर्म के साथ। सीधी साधी, सुशील, संस्कारी, मतलब सर्वगुण नंबर वन लग रही हूँ मैं इस साड़ी वाली फोटो में। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कितनी सती सावित्री लग रही हो तुम इस फोटो में। क्या बात है कन्नू डार्लिंग, ये फोटो देखकर तो वो लोग तुम्हें प्रतियोगिता में ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। कितनी सीधी साधी लग रही हो इस साड़ी में। पूनम, प्रतियोगिता में कोई अच्छी सी साड़ी पहन लीजिएगा। माँ, पहले हमें सिलेक्ट होने दीजिए। और वैसे भी कॉन्टेस्ट कपड़ों का नहीं, गुड़ों का। मैं अपने कितने गुण गिनवाऊं स्वामी जी, संस्कार ही मेरा धर्म है और सेवा ही मेरा कर्म। और हर रोज सुबह सुबह और हर रोज सुबह सुबह मैं अपनी सास ससुर के चरण धोकर पीती हूँ, उसके बाद चाय। चेट चेठानी तो है नहीं, इसीलिए देवर देवरानी के ऊपर अपना सारा प्यार लुटाती हूँ। और पत्नी तो इतनी पतिव्रता हूँ कि हर रोज सुबह उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करती हूँ। बेटा, कितनी सेवा करोगी तो मेरी, जाओ अब आराम करो। दादी जी, हमें अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी देर और दबाने दीजिए। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। अच्छे से पैर दबाइए ना, आपको तो पता है कि मेरे पैरों में कितना दर्द है। एक कन्नू डार्लिंग, और कितना पैर दबाऊं, सारा दर्द तो मेरे हाथों में आ गया, अब और नहीं कर सकता। नहीं कर सकते आप ये हमारे बिना, और करना भी नहीं चाहिए जब हम आपके साथ हैं। स्वामी जी के आश्रम से कोई आया ही नहीं। लगता है प्रतियोगिता को लेकर किसी को बड़ी घबराहट सी हो रही। किसे? मुझे? बिल्कुल नहीं माँ जी। अरे बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखना, तुम प्रतियोगिता में जरूर चुनी जाओगी। जानती हूँ दादी जी, एक बार आश्रम से जवाब तो आने दीजिए। देखिएगा, लिफाफे में से मेरा ही नाम निकलेगा। देखिए, मैं किने साथ लेके आया हूँ। स्वामी जी की जय। स्वामी जी के आश्रम से ये सूचना आई है आपके लिए। दीदी आइए ना, बैठिए। जी धन्यवाद, अभी और भी जगह जाना है। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। देखते हैं किसकी किस्मत में
प्रतियोगिता में जाना लिखा है। बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको स्वामी जी के ऋषिकेश के आश्रम में पहुंचना अनिवार्य है। स्वामी जी के आश्रम में होने वाली सर्वगुण नंबर एक प्रतियोगिता में आपका चयन किया गया है। लेकिन बहु, चुना किसे गया है? पूनम गर्ग। पूनम जी, देखा पूनम जी, मैंने कहा था ना कि आप जरूर चुनी जाएंगी। अब आप चाहिए और ये प्रतियोगिता जीत कर आए। बस बस बेटा, यशस्वी भव। खुश रहिए बेटा। क्या हो गया दीदिया? पूनम के साथ कनु चली जाती थी कुछ दिन के लिए, इस घर में शांति रहती। अब अपनी हार से बौखला कर कनु तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। ये अच्छा नहीं हुआ दीदिया। बच्चों, स्वामी जी कहते हैं कि अपनी किस्मत हमारे हाथ में होती है। मतलब? मैं समझा नहीं दीदिया। मतलब कनु के चुने जाने की सारी उम्मीद मैंने अपने हाथों से ही खत्म कर दी थी। उसका फार्म आश्रम तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे फाड़कर कूड़े में जो पहुंचा दिया था। लेकिन क्यों दीदिया? वो इसलिए बच्चों कि इस वक्त समझी समधन की ढाल है पूनम। वो अगर ऋषिकेश में होगी तो यहां मेरे हाथ में मेरा हथियार रहेगा कल, जिसे मैं बखूबी इस्तेमाल करके मेरे इस हंसते खेलते शामियाने से इन मनहूसों को बाहर खदेड़ दूंगी। दिव्या, क्या बात है, एकदम लल्लन टॉप। अब मुझे इन दोनों पिसुओं को उठाकर बाहर फेंकने से कोई नहीं रोक सकता। पूनम जी, हरिद्वार में यहाँ से ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए आपको बहुत गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? स्वेटर, स्वेटर रखा के नहीं? आकाश, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब कुछ तो पैक कर दिया है आपने, इतना तो हम ही नहीं कर सकते थे।
पूनम से आपने रास्ते के लिए शॉल लिया कि नहीं? हाँ, शायद। देखा ना, मैंने कहा था, आप भूल गई होंगी। ये लीजिए, ये शॉल यहाँ रखिए। हमें आपके साथ की इतनी आदत पड़ गई है, पता नहीं आपके बिना हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। कुछ दिनों के लिए हमें आपसे दूर रहना पड़ेगा। ये सोचकर ही हमारा जी घबरा रहा है। जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हंसते हंसते कैसे किया जाता है, ये आप ही से तो सीखा है मैंने। आप देखिएगा, आप जीत कर आएंगे और हर मुसीबत का डट कर सामना करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये आप अपने पास रख लीजिए, ये आपके लिए दो काम करेगा। एक, आपकी सर्दी रोकने के काम आएगा, और दूसरा, जब भी आपको मेरी याद आए ना, तो आप इसे देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि मैं आपके पास ही हूं। अब चले वरना लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ पूनम जी। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।